नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। आज हम आपका तारुफ ऐसी शख्सियत से करवा रहे हैं जिनके बारे में आज तक आपके ख्याल में वो एक इतिहासकार हैं, पत्रकार हैं और एक अध्यापक हैं। जी हाँ, मास्टर जगदीश रिटायरमेंट ले चुके हैं। अब इसके बाद उनकी ज़िंदगी में क्या नया हो, इसके बारे में उनसे चर्चा करेंगे। चीज़ें सामने आई हैं और उनका सबसे बड़ा जो ख्याल सामने आया है वो ये कि वो राजनीति में आकर इस शहर की, इस हलके की और इस हरियाणा की सेवा करें। उनके इरादे क्या हैं, उनके सपने क्या हैं और वो क्या सोचते हैं, जनता के बारे में उनकी राय क्या है, उनसे बात करेंगे। सैनी जी, आपका स्वागत है एकमत पोस्ट पे। बहुत पहले तो मैं आपको और हलके के लोगों को नमस्कार करता हूँ, फिर आपको बधाई भी दे देता हूँ कि आपका जो चैनल है बहुत सफलता से आगे बढ़ता जा रहा है, बहुत ज़्यादा इसके देखने वाले हैं, तो मेरी तरफ से आप इसकी बधाई स्वीकार करें। लिए आपका शुक्रिया। हम आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि रिटायरमेंट के बाद ऐसा क्या ख्याल आया। मैं जो सुनने में आ रहा है मुझे कि आप राजनीति में प्रवेश कर रहे हैं, हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि आपके पास लोगों का आना जाना काफ़ी रहा, उनकी तरफ से आप पर प्रेशर डाला गया कि आप राजनीति में आएँ, उनकी तरफ से प्रेशर डाला गया या ये आपकी योजना है कि आप राजनीति में आएँ और कुछ करें? सर्वेश जी, मेरा इस मामले में वैसे आपको बता दूँ कोई विचार नहीं था राजनीति के अंदर आने का, लेकिन जो मेरे विद्यार्थी रहे हैं, क्योंकि मैं PCHD स्कूल के अंदर 29 साल सर्विस की है, तो जो बच्चे मुझसे पढ़ के गए हैं, जो मेरे स्वभाव को जानते हैं, नंबर एक तो वो, नंबर दो शहर के लोग जो मेरे संपर्क में हैं, मेरे को नज़दीक से जानते हैं और मेरे काम करने के कुछ समाज सेवा के जो रहे हैं उनको देखते हुए, सोशल वर्कर आमतौर पर है हल्का फुल्का, वो मैं नहीं, वो जो लोग जानते हैं ठीक है, बड़ाई नहीं। तो जब ये सब देख रहे हैं, रहासी शहर की दुर्गति देख रहे हैं, तो पता नहीं क्यों उनके मन में ख्याल आया, क्योंकि मेरे स्कूल के अंदर भी ऐसे काम रहे हैं जो एक आइकॉन थे, कभी मुझे काम सौंपा गया वो 19 नहीं 21 मिला, तो वो बच्चे ये कह रहे हैं सर आप आगे आएं, वो साथी कह रहे हैं। फिर तो मैंने काफ़ी विचार किया, क्योंकि राजनीति एक इतना आसान खेल नहीं है, आप देख रहे हैं पैसे का खेल है, नोट से वोट, वोट से नोट, वो मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि जिंदगी में मैंने कभी पैसे की तरफ ध्यान नहीं दिया। बतौर पत्रकार आप बड़े नज़दीक से जानते हैं, शहर के लोग भी जानते हैं, और एक अध्यापक के तौर पर और एक आपने इतिहासकार कहा, मैं संयोजक हूँ, और इतिहास में एक ऐसा काम हमारे से हो गया कि आज हांसी को दुनिया में लोग जान रहे हैं, और उसके अंदर भी काफ़ी लोगों का सहयोग मुझे मिला। तो इस तरह से कुछ काम ऐसे हैं जो एक आइकॉन बने हैं, और उनका ये मानना है सर आप आके आओ कि हांसी को संभालो, क्योंकि यहाँ हांसी को जानने वाला कोई नहीं आ रहा कि जो सामने आके इसको संभाले। एक्चुअली में होता ये है कि लोग राजनीति में आते हैं, ख्वाहिश जाहिर करते हैं जब चुनाव का समय आता है, और जब चुनाव आता है तो इसे किनारा कर जाते हैं, कोई रास्ता और निकाल लेते हैं। तो आपके सही मायने में क्या इरादे समझे जाएँ? मेरा इरादा ये है कि जो मेरा एक जीवन था, एक पारिवारिक जीवन था, एक व्यक्तिगत जीवन था, वो मैं जी चुका, अब रिटायरमेंट है, मैं वैसे भी स्वभाव से रिटायर हूँ। तो जैसे लोगों ने ये जब ये बात रखी, हालांकि मैंने इनकार किया था, मैंने कहा और लोगों को आप देखिए, उन्होंने कहा नहीं सर आप इसको कर सकते हैं, तो फिर मुझे लगा कि अगर लोग मेरे पर विश्वास कर रहे हैं तो मुझे क्यों नहीं लोगों की सेवा इस मामले में आके करनी चाहिए। तो फिर मैं अभी देख रहा हूँ कि जैसे जैसे हमारे आगे विचार चलते चलेंगे, लोग दिन तर आ रहे हैं, संपर्क में आ रहे हैं, फ़ोन पे संपर्क हो रहा है, तो कोशिश है कि अगर वो मुझे मौका देते हैं हांसी के लोग, तो सर्वेश जी मैं आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाता हूँ, जिस राजनीति को लोग कह रहे हैं कि ये कूड़ेदान बन चुकी है, गटर बन चुकी है, लोग पैसा कमाने के लिए आते, बिजनेस बन चुका है, आज दो चीज़ बिजनेस बड़े लेवल से, एक धर्म और एक राजनीति, कुछ लोग धर्म की तरफ भाग रहे हैं, कुछ लोग राजनीति की तरफ भाग रहे हैं। मेरा मानना है और अगर हांसी के लोग मेरे पे विश्वास करके अगर मुझे ये जिम्मेदारी देते हैं, तो वो मैंने बताया था कि आप विधायक के तौर पे एक राजा चुनते हैं, मुझे आप सेवक के रूप में देखेंगे, वास्तव में लोकतंत्र एक सेवक होता है, राजा नहीं होता, और सेवक का काम क्या है वो मैं जानता हूँ, क्योंकि मेरा एक अनुभव आप देखिए, 1972 में पहला इलेक्शन मैंने ईश्वर सिंह जी का देखा था जब मैं बच्चा था, उसके बाद BSC का इलेक्शन देखा मैं बड़ा हो गया था, उसके बाद निरंतर 77 के इलेक्शन हैं और सब मुझे बड़े अच्छी तरह याद हैं। इसमें मैं बीच में आपको रोक रहा हूँ कि हमें सूचना ये भी थी कि कुछ राजनीतिक दल भी आपके संपर्क में हैं, तो क्या ये माना जाए किसी राजनीतिक दल में आप शामिल होंगे
या कोई और स्ट्रेटजी आप इसमें रखेंगे? देखिए, हर राजनीतिक दल के अंदर मुझे जानने वाले लोग हैं, जैसे उनको पता लगा कि मैं रिटायरमेंट ले चुका हूँ, वो किस महीने में मुझे जोड़ना चाह रहे मैं नहीं जानता, लेकिन राजनीतिक दल के अंदर आ करके मैं ये काम करूँ, मेरी कॉन्शियस या मेरा विचार गवारा नहीं करता। कारण वो आपको लगता है कि वो आपने विधायक चुना है, किसी राजनीतिक दल से आप अगर संपर्क में हैं, आप पहले तो आप देखो टिकट के लिए भाग रहे हैं, वो वहाँ पैसे का खेल है भाई, टिकट ऐसे नहीं मिलती, जो पैसे खर्च करेगा वो टिकट है, खरीदी जाती है, तो आम जग जाहिर हो चुका है, टिकटें खरीदी जाती हैं, और अगर टिकट की रेस में खरीदना तो वो मेरे बस की बात नहीं है, और मान लो मैं चला गया तो अगर मुझे टिकट मिलती है तो फिर मैं आपका नहीं रहता, क्योंकि पैसा खर्च करूंगा तो कल को पैसा कमाऊंगा, जब पैसा कमाऊंगा तो मैं पब्लिक को भूल जाऊंगा, फिर तो जो दुर्गति आप देख रहे हैं आज तक का इतिहास हमारा बता रहा है, ये हाल होगा। और अगर मैं लोगों के साथ जुड़ के चुनाव लड़ता हूं तो मैं इसका सेवक बनूंगा। हमारे यहाँ ऐसे लोग हुए हैं जिनको लोगों ने चुना और लोगों ने उनका कोई पैसा नहीं लगने दिया और एक मत से चुना। अभी आपने कहा कि आप 70 के दशक से चुनाव देखते आ रहे हैं, आपने लोगों को बनते हुए भी देखा। हाँ जी, शहर वहीं का वहीं है और यूं कहिए कि बद से बदतर हो गया है। हाँ जी, इसके पीछे क्या वजह समझते हैं और आपको क्या लगता है कि आप उसमें कुछ सुधार कर पाएंगे? उसके पीछे कारण है कि हमारा एक स्वभाव बन चुका है, हम जिन लोगों को चुन रहे हैं उनको वास्तव में यह तो पता नहीं होता कि जो विधायक आप चुन रहे हैं उसकी पावर क्या है, वो क्या कर सकता है, वो शहर के बारे में नहीं जानता, उसके पास कोई विजन नहीं होता, वो कुछ समझता नहीं, एक इतिहास नहीं पता उसको, तो जब तक आपको उसके बारे में कुछ चीज़ें पता नहीं है तो आप वो काम नहीं कर सकेंगे। अब मैं एज ए इतिहास का विद्यार्थी मैं अपने आप को मानता हूँ, मैंने देखा ये हांसी शहर, हांसी हरियाणा की राजधानी रह चुका और उससे पहले दो बार पहले हर्ष के ज़माने में राजधानी रह चुका, जो इस शहर को देखने विदेशों से लोग हजारों साल से आते रहे हैं, जिन्होंने अपनी किताबों में मेंशन कर रखा है उस शहर की इतनी दुर्गति, इसका मतलब है राजनीतिक विजन नहीं था, उनकी सोच नहीं थी, उनको पता नहीं था। और ये मेरा, मैं इसको देखता हूँ, शहर को बड़ा दुख होता है जब किले पे जाता हूँ, शहर को चारों तरफ मोनूमेंट्स ऐसे ऐसे देखे हैं जिस किताबें मैंने डाले हैं, जिनका लोगों को भी पता नहीं है, वो मैंने उनके पूरे इतिहास खोज खोज के डाले हैं, तो वो जब मैं उनको एक एक चीज़ को देखता हूँ, किसी का भी इतिहास है, तो बड़ा दुख होता है, वो पत्थर सड़कों पर रुल रहे हैं, किसी को पता नहीं पत्थर क्या, उनके पीछे एक पत्थर के पीछे बहुत बड़ा इतिहास है। वो सब सिर्फ देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग अगर मेरे को ये बात जिम्मेदारी देते हैं, सर्वेश जी मैं आपके चैनल के माध्यम से ये विश्वास दिलाता हूँ कि हांसी को अगर मुझे में विश्वास दिया, हांसी के हल्के के, ये एक उदाहरण बनेगा पूरे हिंदुस्तान में कि आप राजा नहीं, आपने सेवक चुना है, और आप हांसी का हर व्यक्ति गर्व से ये कह सकेगा कि हमारा विधायक नहीं है, हमारा सेवक है। और लोकतंत्र का सही अर्थ क्या होता है मैं बताऊंगा आपको। असल में लोकतंत्र उसी टाइम ख़त्म हो जाता है जिस वक्त आप वोट डालते हो, जैसे ही आपने वोट डाला आपका लोकतंत्र ख़त्म हो गया, गिनती शुरू होने के बाद जो विधायक बन के जाता है वो एकदम पब्लिक की बजाय वो सीधा भागता है अपने आका के पास जिससे टिकट लेके आया है, फिर वो उसका वहाँ पट्टू बांध के बैठ जाता है, जैसे वो कहेगा वैसे काम करेगा, तो वो फिर वहाँ से निर्देश जो चलेगा उनके भी कमा के दे और खुद के लिए भी कमा, फिर वो नोट की राजनीति। एक मैंने आपको और बताऊं, लोकतंत्र ख़त्म तो क्या शुरू होता है, लूट तंत्र, झूठ तंत्र, लठ तंत्र, षड्यंत्र, इनके अंदर वो आदमी फंस जाता है, जब वो इन चार पायों पे बैठ जाता है कुर्सी पर फिर उसके बस की बात नहीं रहती, और ये चीज़ चारों चीज़ें मेरे बस की नहीं है। क्योंकि अब आप राजनीति में प्रवेश कर चुके हैं और तेज़ी से आगे जाना भी चाह रहे हैं जी, तो कुछ राजनेताओं के बारे में भी आपसे चर्चा करना चाहेंगे जी। सबसे पहले मौजूदा विधायक की बात करते हैं। हाँ जी, भजनलाल के परिवार से वो ताल्लुक रखती हैं, आदमपुर से आके यहाँ पे चुनाव लड़ा और काफी अच्छे वोटों से वो जीत भी गई। पिछले दिनों उन्होंने सफाई भी कराई, एक दिन शायद बताते हैं हांसी में हुआ मोहतरमा, हाँ वो फोटो आए थे अखबारों में आए थे। तो आपको क्या लगता है कि इनके हाथों में हमारा भविष्य सुरक्षित नहीं है, जो आप कर पाएंगे? एक जिसको झाड़ू पकड़ना नहीं आता वो सफाई क्या करेगा, नंबर एक, जिसको सफाई का महत्व नहीं पता कहाँ होनी चाहिए वो सफाई क्या करेगा, नंबर दो, वो जिस परिवार से आ रहे हैं, चौधरी भजनलाल एक अलग शख्सियत थी, उसके बाद जो आगे जनरेशन वो जागीरदार हैं, आज वो हलकों को जागीर समझते हैं और वो समझते हैं हमारा हक है, वो कहते हैं हमारा परिवार है हांसी और मैं नहीं, नहीं परिवार तो देखो ये फसल है, ये चुनाव उनकी फसल है, जब वो आते हैं तो काटने के लिए आते हैं, अब विजन तो नहीं है ना, उनको पूछो हांसी के बारे में। तो क्या वजह रही कि लोगों ने उनको जिता भी दिया, वो विजन की एंटी कन्वेंशन बोलते हैं उसको, उनका क्या है कि हमारे जो पहले विधायक थे उनके प्रति नाराजगी, ऐसा कुछ हुआ पहले विधायक बोले तो विनोद भैना की बात, भैना साहब के प्रति लोगों की नाराजगी थी, और ये भैना साहब भी अच्छी तरह जानते हैं, उन नाराजगी को
को दिखाने के लिए लोगों ने, उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था उस टाइम पे। किसी हंसी हल्के के किसी भी आदमी ने हिम्मत नहीं की खड़े होने की, और अगर खड़ा हो जाता तो रेणुका नहीं बनती। ये 100% मैं आपको कह रहा हूँ एज ए पत्रकार, मेरा सर्वे के हिसाब से लोगों ने नाराजगी प्रकट करने के लिए उनको दिया। मैं उससे पहले भी उदाहरण हो चुके हैं, उससे पहले पी के चौधरी को, आपका ये कहना है कि लोगों ने उनको गिफ्ट कर दिया। हाँ हाँ, पहले भी हुए हैं भाई ऐसे गिफ्ट सर्वे जी में। 1972 का इलेक्शन मैंने बताया ना, चौधरी ईश्वर सिंह जी को कोई विचार नहीं था मैं विधायक बनूंगा। गांव में रहने वाले साधारण आदमी थे, और लोगों के जब विचार आया कि भाई किसको बनाए, तो देखा है खानदान है बहुत जिनका समाज सेवा में योगदान रहा है, तो वो चौधरी ईश्वर सिंह है। तो लोग उनके पास गए, कोई जानता नहीं था, वो विधायक बने, और वो तो मेरे को आज तक याद है। उसके बाद आप देखिए आते हैं पी के चौधरी जी, तो पी के चौधरी क्यों, मक्कड़ साहब के खिलाफ लोगों का मन में भावना आ गई थी उनके काम के, तो उन्होंने कहा किसको जिताएं, पीके चौधरी को कोई नहीं जानता था, लोग देखने के लिए गए जब वो नॉमिनेशन करने, वो पीके चौधरी कौन है। ठीक है, आपने अभी कहा कि विनोद भ्याना की खिलाफत थी, लोगों ने एज ए गिफ्ट विधायक की कुर्सी रेणुका के झोली में डाल दी। हाँ जी हाँ जी, तो वो जो खिलाफत थी वो आज दूर हो चुकी होगी, 5 साल है, तो क्यों नहीं लोग उसको दोबारा बना देंगे। नहीं ऐसा है, फिर तो काम हंसी आप देख रहे हो, हंसी के अंदर आप जहाँ से प्रवेश करोगे आप दुर्गंध आपको स्वागत करेगी। अभी हम कर रहे थे, उन्होंने दावे भी किए कि जब वो सत्ता में रहे, हुड्डा सरकार में वो रहे, सीपीएस भी रहे, उनका दावा है कि उन्होंने नौकरियां भी खूब लगाई हल्के में, खूब उन्होंने विकास कराया, तो दोबारा उनको लोग क्यों नहीं मौका देंगे, आप क्या समझते हैं? सर्वेश जी, विनोद भ्याणा जी को आपने विधायक के तौर पर बात की है, मैं उनको जानता हूँ सरपंची के तौर पर, जब लुहारी के सरपंच थे, बाद में यूथ कांग्रेस के भी रहे हैं, और पर्सनल उनको बड़े अच्छी तरह से मैं जानता हूँ, अच्छे, क्योंकि मेरे सबसे ताल्लुकात अच्छे हैं। अब जब वो बन गए हैं, मैंने बताया ना जब पार्टी का आदमी चला जाता है उसके बस की बात नहीं रहती, निसंदेह वो एक एजुकेटेड करना भी चाहते होंगे, शहर के लिए उनका विजन भी होगा, पढ़े लिखे थे, सरपंच से हैं, तो जब वो पार्टी की टिकट लेके या वहाँ गए हैं, उसके बाद फिर जब देखो नोटों की जब थैली लटक गई, मजबूरी हो गई, तो फिर वो उन्होंने वही काम किए जो उनके आका कर रहे थे, फिर गैंग बन गया, भूमाफिया बन गए, उनमें शामिल हो गए, शहर को भूल गए, जो काम किया फिर आता काम, लोग कहते हैं हमने काम किए, आप एक बात भूल जाइए, लोगों का जो काम है जो कर रहे हैं, हाँसी में 1958 में काम शुरू हुआ था, आज तक चल के देखिए उन कामों को, क्योंकि वो काम जनहित के नहीं होते, वो खुद के लिए, कमीशन कितना है, जो कमीशन पे काम होगा वो क्षणिक होता है, कि जैसे कुछ फूल होते हैं खिले, धूप लगी, शाम हुई, ख़त्म, तो वो जो काम है वो हम देख रहे हैं, आज करवाए एक दिन ख़त्म, तो वो कमीशन के लिए जो काम शुरू होगा वो नहीं हो पाएगा। ठोस काम वो होते हैं जो एक बार कर दिया दोबारा करने की जरूरत ना पड़े। तो अभी हाल ही में पूर्व मंत्री भी रहे हैं अतर सैनी, लोग ये कहते भी हैं कि उन्होंने जब वो मंत्री थे, बंसीलाल सरकार में मंत्री रहे हैं, तब उस वक्त काम भी हुए हैं, खास करके बिजली के मामले में, क्योंकि बिजली मंत्री थे। अभी वो भाजपा में फिर से शामिल हो गए हैं, पहले इनेलो में चले गए थे वहाँ से, फिर वो भाजपा में आ गए हैं, क्या आपको लगता है कि वो भी मैदान में आप होंगे, होंगे तो किस नज़रिए से देखते हैं आप उनको सामने खड़ा मिल पाते हैं, या आपको लगता है कि वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, या आप उनको किस नज़रिए से देखते हैं? सर्वेश जी, आप किसी का भी नाम लें, मेरे लिए सभी आदरणीय सम्माननीय, क्योंकि हमने उनको चुना था, मैं ही वोटर हूँ, मैंने भी वोट दिया होगा, हमने उनको चुना है, और उनके साथ रिकॉर्ड ये रहा है कि उनके पिताजी भी MLA रहे हैं, वो जब MLA बने तो बाद में मिनिस्टर बने, ये भी उनका रिकॉर्ड है, पहली बार हाँसी का कोई मिनिस्टर बना तो अतर सिंह सैनी बने, और ये भी रिकॉर्ड है कि उनका उन्होंने खूब काम भी किए, लेकिन मैंने आपको बताया ना काम मजबूरी होता, आदमी कितना ईमानदार हो, लेकिन जब वो कहीं जिसके गले में पट्टा आ गया फिर उसके बस की बात नहीं रहती, फिर वो खींचता है तो वैसे वो उसको चलना पड़ता है, जैसे बैल के गले वो लगा हुआ है, घोड़े के नकेल है, जिसके हाथ में वो उधर घुमाएगा, तो वो निसंदेह उन्होंने काम किए खूब, लेकिन वो काम वो नहीं कर पाए। उसके बाद आपको पता शहर के अंदर जो जो हालात हुए, सारी बातें मैं नहीं कहना चाहता क्योंकि किसी की बुराई करना अच्छी बात नहीं है, जो साथ रहने वाले लोग हैं, मुझे अतर सिंह जी से मैं मिला भी हूँ, कई बार बात भी हुई है, उनको खुद को नहीं पता वो क्या हो रहा है, उनके साथ रहने वाले लोग क्या कर रहे हैं, इतना क्राइम बढ़ चुका था उनको पता ही नहीं, क्रिमिनल बढ़े, शराबबंदी उनके टाइम पर हुई और क्राइम हो गया, जो प्रशासन के हाथ से बाहर बात निकल गई थी, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है आदमी चाह कर भी नहीं कर सकता। अब अतर सिंह जी चाह कर भी वो चीज़ नहीं कर सकते, लॉ एडवोकेट है, अब उनके कारण, उनके साथ रहने के कारण वो बदनाम हुए, बदनाम होने का कारण ये होगा अगली बार इलेक्शन में खड़े होने की हिम्मत नहीं की, और अब लोग पीछे पड़े तो अब क्या करें, अब चक्कर क्या होगा, वही टिकट, पता नहीं क्या है कि आप काम करो, टिकट आपके पीछे आनी चाहिए, आप टिकट के पीछे क्यों भागते हो, मैं इधर जाऊँ तो टिकट मिले, फिर लोगों के दिमाग में पता नहीं क्या है, बोले टिकट, अरे भाई
आप अपना काम करके दिखाओ ना, टिकट आपके पास आएगी थाली में, आपको चूज करनी है मैं कौन सी लूँ, लूँ या ना लूँ, मुझे क्या जरूरत है टिकट की, मैं तो जनता का नुमाइंदा हूँ भाई, मेरी टिकट जनता है, ये शहर मेरी जनता है, ये मेरी टिकट है, पार्टी मेरी टिकट का क्या मतलब। तो वो जब आप इतने सही समझ जाओ, जब आदमी पार्टियां छोड़ के कोई भी है वो इधर उधर जाता है, इसका मतलब उसने काम नहीं किया, काम किया होता तो उसको टिकट की जरूरत नहीं थी, घर बैठे। हाँ, पिछले इलेक्शन में मैं भी गए थे चौधरी अतर सिंह जी के पास, उस इलेक्शन में खड़े हो जाते बन गए थे, लेकिन हिम्मत नहीं की, पता नहीं उनको खुद पर विश्वास नहीं था। अब हम और भी आप अगले भी नाम लेंगे तो सेम पोजिशन है, सेम टू सेम। तो जब आप हाँ, आम आदमी पार्टी भी अभी हरियाणा में उन्होंने कहा है कि हम सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, और वो ये भी कहते हैं कि हमारी पार्टी पार्टी विद द डिफरेंस है, अलग से हटके है। तो आपको क्या लगता है कि वो कुछ कर पाएगी, या आप उनसे जुड़ना चाहेंगे, या वो आपसे जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं? आम आदमी पार्टी के बारे में सबकी धारणा है, मेरी भी धारणा है, इसमें कोई संदेह नहीं कि उन्होंने एक अच्छा काम कर भी रही है और करती भी रही है। बात आती है आदमी कौन है। अब उन्होंने ख्यालिया साहब को टिकट दिया था, पार्टी की बदनामी हुई थी हिसार में। अब आप तो ईमानदार हैं, अगला आदमी जिसको आप टिकट दे रहे हैं वो ईमानदार है कि नहीं? मैं तो आपको एक बार सभी पार्टियों छोड़ो, इस बारे में मैंने खुद केजरीवाल जी से मुलाकात की थी करीब दो महीने पहले, तो उन्होंने ख्यालिया का सवाल भी हमने उनसे किया था, तब उन्होंने माना था कुछ गलतियां उनसे हुई हैं, कुछ फीडबैक उनके पास सटीक नहीं था, जिसकी वजह से कुछ टिकटें गलत हुई थी, इस बार शायद वो दोबारा नहीं करेंगे, उनका ऐसा दावा था। सर्वेश जी, लगता है कि आप वहाँ पे किसी लिहाज से अपने को फिट पाते हैं? सर्वेश जी, बतौर पत्रकार इस फील्ड में मैं भी काम कर चुका हूँ, आप भी कर रहे हैं, हमारा सबका सोचना सब एक जैसा ही होता है। तो मैं तो यही कह रहा हूँ कि केजरीवाल जी जो कर रहे हैं बहुत अच्छा है, उनको आदमी चुनने चाहिए, अच्छा आदमी। मैं तो आपको कहता हूँ, सब बातें छोड़ो, पार्टी छोड़ो, सब कुछ छोड़ो, कौन क्या छोड़ दो, पार्टी को भी छोड़ो, जितने हांसी के लोग हैं जो MLA के दावेदार हैं, पंचायती रामलीला ग्राउंड के अंदर हांसी के लोग इकट्ठे हो जाएं, अच्छा, उनको एक मंच पे बिठाएं जी, उनके विजन सुने, उनके विचार सुने, अब तक के किए कार्यों की समीक्षा करें, और उसके बाद हांसी शहर के लोग एक आदमी को पकड़ लें कि हम इसके पीछे लगे, पैसा मत लगने दो, हम सेवक चुने, मैं नहीं कहता मुझे चुनो, किसी को भी, एनी बॉडी, हो सकता है जितने खड़े इनके अलावा भी कोई और घर में मिल जाए हमारे को बैठा। ये बातें आपने कही वाकई लगती बड़ी अच्छी है, पर ये धरातल पे उतरती नहीं, नहीं उतर जाती है, क्यों नहीं उतरती? आप ये बताइए, जब किसी को गोली लगती है तो सारा शहर रामलीला ग्राउंड में बैठ जाता है, जब कोई अप्रिय घटना घटती है तो सारा शहर बंद हो जाता है, तो क्यों भाई? आप एक घटना के लिए तो इकट्ठे हो जाते हो। मैंने सुना जब 5 साल तक कर रहे हैं इस बारे में की मीटिंग की जाए। सर्वेश जी, जब आपका भविष्य शहर का और आपका टिका हुआ है, 5 साल तक आप गालियां बकते हो लोगों को, और आप एक दिन ये काम नहीं कर सकते, आप करो ना, लोग इकट्ठा करो, उसके बाद आप उसको पैसा मत लगने, तो फिर देखे कैसे काम नहीं करेगा। अरे शर्म तो आएगी उसको, आप लोग जाके उसको पकड़ तो सकते हो, शहर के लोग जब आपने चुना है वो कैसे इनकार कर देगा, मैं पूछ रहा हूँ आपको। लेकिन जब पैसा आपने लगवा रहे हो ना, फिर आप बोल जाओ, फिर तो उसके दरबार में हाजिर होना पड़ेगा हाथ जोड़ के, क्योंकि अगले 2 करोड़ रुपए खर्च के दारू पिला रखी है, वो पैसा कमाएगा और महल भी बनाएगा। तो क्या आज भी आप ये मानते हैं कि बिना पैसे के चुनाव कोई लड़ सकता है और जीत सकता है? जनता चाहे तो एक पैसा नहीं लगता और चुनाव जीत सकता है, बहुत से ऐसे उदाहरण हमारे देश में हैं, लेकिन लोकतंत्र कहते ही उसको है सही मायने में। लेकिन अगर आपको ये मानना पड़ेगा, जिसका पैसा आप लगवा रहे हो, और जो मैं तो पिछले दिनों खुद इंटरव्यू चलाए थे, उनके अंदर कोई कह रहा है मेरे पास 2 करोड़ रुपए हैं, कोई कह रहा है 5 करोड़, कोई तो बोले कितना ही लग जाए, और मेरा एकदम मैं चौंक गया। मैं जो आदमी 2 करोड़ की बात कर रहा है तो उसका तो 1 अरब कमाने का होगा, जब 1 अरब कमाएगा शहर का क्या होगा, यही तुड़ी उड़ेगी। और ये आप अपने नगर परिषद में देख रहे हो, MC रहे थे, सबको पता है शहर के पैसे लिए हैं लोगों ने और लिए, अब खेचा तान चलिए, कमीशन का रोड़ा चोरों का झगड़ा बंटवारे पे, अब वो शहर का दुर्गति हो रही है। जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार हम, हम जिम्मेदार हैं भाई। आपने चुना किसको? आपने अपने वार्ड में कभी मीटिंग करके चुनी कि हम इसको चुनेंगे? जब आप मैं कह रहा हूँ आपने उसका 5,000 रुपये लगवा दिए तो 20 लाख लेगा, उसको मिल रही 20 लाख रुपये, तो आप उससे क्या उम्मीद करेंगे? फिर आगे कमीशन भी लेगा, काम भी करवाएगा, अच्छी गलियों को तोड़वाएगा। अब हमारे शहर में ऐसी ऐसी गलियों को तोड़ दिया जो तोड़ने के लिए जरूरत नहीं थी, सिर्फ कमीशन के लिए ऐसी ऐसी पाइप बिछा दो, पुरानी पाइप निकाल, जिनकी जरूरत नहीं है। वो आदमी विकास के लिए काम नहीं कर रहा है, और फिर वो अफसरों को ऐसों को लेके आएगा जो खुद भी खाएगा मेरे को भी खिलाए, तो ये एक लूट तंत्र स्टार्ट, इसको कहते हैं षड्यंत्र, एक दूसरे को काटना, नीचा दिखाना, ये षड्यंत्र जो अब चल रहा है, सटे ले लिए, ये षड्यंत्र है।
लठ तंत्र जो किसानों पर लठ लगे, एम्प्लाइज के लठ लगते हैं। अरे यार, हमारे देश के नागरिक हैं, वो आपसे डिमांड करें सरकार से जिसको चुना है, आप उनको लाठियां मार रहे हो। शर्म नहीं आती? ये भी है कि जब चुनाव में कोई उतरता है तो वो खूब वायदे करता है। आपने भी अच्छी बातें बताई हैं, आपने भी पूरा भाषण दिया है कि भाई मैं चीज़ें मतलब आपके जहन में है कि बदल देंगे, ये कर देंगे। रेणुका जब यहाँ आई थी तो उसने खूब वायदे किए थे, ये कर देगी, वो कर देगी, जो भी चीज़ें थी वो कह सकती थी, उसने कही तमाम बातें। नहीं, उसके बाद अभी इनसे पूछा गया, उनसे पिछले दिनों जब वो आई यहाँ पे, कि आपने क्या किया है शहर के लिए, तो उन्होंने कहा कि मैंने चिट्ठियाँ लिखी हैं, चिट्ठियाँ मेरी गाड़ी में पड़ी हैं। तो क्या ये एक्सक्यूजेज? सर्वेश जी, अब आप फिर आप ऐसी बातें मेरे मुंह से मत निकलवाओ, किसी के दिल हार्ट हो। वो लोग धरातल को नहीं जानते। मैं हाँसी के एक एक घर को जानता हूँ, एक एक गली को जानता हूँ, एक एक तकलीफ जानता हूँ। और जहाँ तक मुझे संभव, जहाँ तक मेरी कोशिश हुई, जहाँ तक कुछ काम हमने किए भी हैं, मैं तो विधायक नहीं ना आम आदमी हूँ, लेकिन एक आम आदमी की पावर क्या होती है, एक ना क्यों टैक्स पेड है उसकी खुद की पावर क्या होती है, वो बहुत ज़्यादा, वो यूज किया हमने कई जगह तो काम हुए हैं। अब जिन लोगों की आप बात कर रहे हो, उनका विजन नहीं है, उनके दिल के अंदर नहीं है, वो पढ़ी हुई बातें बोलते हैं, वो भूल जाते हैं। वो यहाँ से आपको कागज़ दे दिया, आपने उठ के बोल दिया ये वायदे ये करेंगे, फिर बाद में हाँ जी मुकर के था ये पर्ची बोल देना। अब क्या करें, जनता कहाँ जाए? चार चोर इकट्ठा है, एक चुनना है तो किसी को तो चुनोगे। अच्छा, आपसे चार बातें ऐसी जानना चाहेंगे जो आपके जहन में है और आपको लगता है कि हाँसी में ये चीज़ें होनी चाहिए और अगर आप बनते हैं तो आप वो कर पाएंगे। सिर्फ चार चीज़ें आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, अगर चार नंबर, सबसे पहला, हाँसी के अंदर बरसात के पानी की बहुत बड़ी समस्या है जो खड़ा हो जाता है, फोर्ट में छपती हैं। जब तक आप भौगोलिक दृष्टि से शहर को नहीं समझेंगे जी, आप उसका काम नहीं कर सकते। और मेरे पास तो पुराने नक्शे पड़े हैं, पुराने पुराने नक्शे हैं। ठीक है, मतलब पहला ये है कि आप पानी की निकासी, मैं कहता हूँ एक बूंद पानी नजर नहीं है सड़क पर बरसात के बाद, वो योजना तैयार हो सकती है। है ये ऑलरेडी अनपढ़ लोगों ने बनाई थी वो योजना, आप इम्प्लीमेंट नहीं, क्योंकि पता नहीं है ना। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ छोटा सा। एक मंत्री जी, रेस्ट हाउस हाँसी की बात है, एक मंत्री जी बैठे हुए हैं सामने, नक्शा लेके पब्लिक हेल्थ का एक वो बैठा हुआ है, क्या बोलते हैं, SDO था या एक्शन साहब थे, तो पानी निकासी पे चिंता कर रहे थे। मैं ताजु माना को टेक्निकल हैंड है एक्शन, वो जो उंगली घुमा के बता रहा है वो टोटली रॉन्ग। पानी का एक लेवल है, वो किधर जाएगा, वो जो योजना बना देख तो समचुंगी का पानी निकासी हो ही नहीं सकती, कभी कामयाब नहीं होगी। ठीक है, तो मैंने उस टाइम थोड़ा सा इतना ही बीच में कहा था, मैं सर एक्सक्यूज मी, ये ऐसे नहीं, ऐसे होगा, आप इधर लेके आइए पानी का ढाल। आप ताजु मानिए, ये मंत्री जी क्योंकि शहर के थे वो शर्मा गए। अब वो भाई एक्शन साहब डिग्री होल्डर है पोस्ट पे, वो शर्मा गया, बोला जी कोई बात नहीं, आप बाद में बात करेंगे। हाँ ठीक है। अब दूसरा सुनिए, पानी बूस्टिंग स्टेशन कहाँ बनता है पानी चढ़ाने का? मैं टेक्निकल थोड़ी बातें बता रहा हूँ, किसी का समय मेरे जहन में है। अब एक बूस्टिंग स्टेशन बना हुआ है लास्ट सड़क पर, लड़कियों स्कूल के पीछे ही और नगर परिषद के सामने, क्या ये व्यवहारिक है, क्या ये टेक्निकल सही है? फेल हो गया, क्योंकि ये जहाँ बनना चाहिए था वहाँ नहीं बना, पैसे की बर्बादी, समय की बर्बादी, लोगों का टैक्स बर्बाद हो गया। पहला कॉन्सेप्ट अब ये हो गया, दूसरे पे आते हैं, पीने के पानी की समस्या तो अब लगभग खत्म हो चुकी, लेकिन उसको और अच्छा किया जा सकता है, ठीक है। सफाई, और सफाई का क्या है कि हम शहर में साफ करते हैं, गंद डालने को जगह नहीं है, तो इसलिए जहाँ आप शहर के अंदर एंट्री करते हैं सारे सड़ा दिए गए हैं। हाँसी में घुसने का स्वागत है गंदगी से। जब तक आप हाँसी के लिए एक योजना बना के ये पॉलीथीन को खत्म नहीं करेंगे, इसका रिसाइकलिंग प्लांट नहीं लगाएंगे, नहीं होगा। जिस दिन वो लगे आमदनी की आमदनी शहर को, मेरे पास तो एक ऐसी योजना भी है सर्वेश जी, अगर शहर के लोग मुझे मौका मिले, मैं सरकार से ही पैसा नहीं लूंगा, हाँसी से इतना पैसा इकट्ठा कर दूंगा कि आपको काम अपने आप ही होने शुरू हो जाएंगे, शहर में आमदनी बढ़ेगी। हाँसी खुद पैसा देने के लिए तैयार है, लेकिन बहुत लोगों को कहा है नहीं समझ पा रहे। कई लोगों को मैंने कहा है कि भाई आप ये काम कर लो, करोड़ों रुपये आमदनी है और आप इसी पैसे को हाँसी पे लगाओ, नहीं कर पा रहे। ठीक है। अच्छा, एक दो बात गोयल साहब को बताई थी उन्होंने की, लेकिन बाद में संभाल नहीं सके ना, उन्हें कर तो दी मंत्री जी ने, लेकिन बाद के लोग संभाल नहीं पाए। मैंने बताया एमटी तालाब की ये योजना है, आप इस पर काम कर दो, इसका सौंदर्यकरण भी रहेगा, ये बरकरार रहेगी और ये शहर के अंदर एक अद्भुत चीज बन जाएगी। मैंने हर एक के सामने रखी, कोई अब मेरे पास पावर नहीं है। इसके अलावा कोई और कोई आप बात आपके जहन में हो जो आप करना चाहते हैं या होना जरूरी है समझते हैं? मैं कहता हूँ कि मैं एक एक समस्या को जानता हूँ, बहुत चीज़ें हैं,
अभी जितने भी आपने चीजें बताई वो शहर के लिए बताई, क्योंकि हाँ। हलका तो बहुत बड़ा है हाँ। तो इसमें गांव भी बहुत आते हैं, तो उनके लिए आपके दिमाग में क्या गाँव है, क्या कर पाएंगे? अरे साहब, गांव तो मैं से ज्यादा तो नाडे है, अगर वहां के लोगों के बताया जाए, जैसे हाथी वाली बात है ना, हाथी को ये बता दिया जाए तेरा कद कितना बड़ा है देख ले तो वो शेर को मुकाबला कर ले, लेकिन हाथी को पता नहीं होता। तो मैंने कहा आप चुनाव में उतरेंगे तो आपको वोट भी ज्यादा अपेक्षित गांव से रहेंगे। मैं जब योजना बनानी ही पड़ेगी गांव के लिए। अब मैं बताता हूँ आपको, हम अखबार पढ़ते हैं, पत्रकार भी हैं, औरों को भी पढ़ते हैं, कई उदाहरण मेरे सामने हैं, गांव के लोगों ने अपने गांव को बदल दिया, आज वो गांव खुद कमा रहे हैं पैसा, लोग देखने जाते हैं। जिस गांव में मैं अभी सर्विस करके रिटायर हुआ हूँ, मैं वहाँ गांव को देखता हूँ। मैंने एक दो बार उनके सरपंच को उनको बात की, मैं सर आपके पास तो करोड़ों रुपये की आमदनी है, आप ये चीज़ें करिए, यहाँ आपको तो नौकरी बाहर नहीं, आप नौकरी देंगे, आपके बच्चे नौकरी गांव में लग जाएंगे, आपको सरकारी नौकरी देने की जरूरत नहीं, गांव में इतना काम हो जाएगा, आप नौकरी गांव के बच्चों को देंगे और गांव में ये है आपके विकास होंगे, और ये योजना है और ये सब कुछ है। अब समझाओगे किसको? अब मेरे पास पावर नहीं, जब तक पावर ना समझता नहीं आदमी। तो उन्होंने कहा बात तो ठीक है भाई, फिर नूरोला है, क्यों हम बटे हुए हैं, हम बैठे हुए कास्टिज्म पर, हम बैठे हुए धर्म पर, हम हर चीज़ में बांट दिए गए, पॉलिटिशियन ने बांट दिया है। मैं कहता हूँ हम सबको मिलके काम करना, सड़क बनेगी कौन नहीं चलेगा उसके ऊपर, सभी लोग चलेंगे, लाइट चलेगी सभी लोग, हमको मिल करके काम करना होगा। आप धर्म और कास्ट से हट के राजनीति करेंगे? हाँ जी, मैं तो मानता ही नहीं कभी, मैं मास्टर हूँ, अध्यापक हूँ, मेरी क्लास में हर तरह का बच्चा है, मैं वहाँ इस नजरिए शहर देखूंगा तो मैं किस तरह उसको बच्चों को पढ़ाऊंगा, मेरे लिए तो सब बच्चे मेरे बच्चे के समान है। अगर आप मेरे को पावर देते हो तो शहर के सब नागरिक मेरे आदरणीय है, मेरे परिवार के, तो मैं सेवक हूँ भाई, आपके दरबार में खड़ा हूँगा, आप मेरे दरबार में थोड़ा होंगे, मैं जाऊँगा आपके पास और ये मैं एक उदाहरण पैदा करूँगा, आपको मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, मैं आपके पास खड़ा मिलूँगा और मैं आपको बताऊँगा आपकी समस्या ये दूर ऐसे दूर होगी, मैं गली में जाके बताऊँगा कि आपकी समस्या ये ऐसे दूर होगी, हम मिल के काम करेंगे भाई। आपने हमसे बातचीत की, आपने अपने विचार रखे, और अगर आप बनते हैं, आप लड़ते हैं चुनाव और बनते हैं, तो उम्मीद की जा सकती है कि आप उनको पूरा भी करके दिखाएंगे। इसमें कोई शक नहीं है सर्वेश जी के आदमी अपने पौधे लगा के उसके नीचे बैठ सकता है, मकान बना उसमें, लेकिन विधायक बनना एक वोट से बनता है, वोट से पावर आती है, यहाँ तक तो लोकतंत्र है। और मैं हाशी शहर के लोगों को कहता हूँ, मेरी बात सुन के ये मत सोचना का मैं मेरे को वोट दे विधायक बनाएं, मेरे बारे में पहले जानें, अच्छी तरह चिंतन मनन करें, अगर आपको ये लगता है कि मैं आपकी आकांक्षाओं पे खरा उतरता हूँ तो वोट देना भाई, मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ तो वोट देना, मेरी बातों के सुन के वोट मत देना कि मैं यूँ बोल रहा हूँ, ये सब बोलते हैं, मैं ही बोल रहा हूँ, लेकिन पहले मेरे पिछला जीवन देखो, मेरे बारे में पढ़ो, अध्ययन करो, मेरे से मिलो, मेरे से बात सुनो, मेरे कामों को देखो, अगर आपको लगता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ तो वोट देना, आपका वोट बहुत कीमती है, किसी को भी देना सोच समझ के देना, वरना 5 साल ऐसे रहोगे गालियाँ बकोगे, आप गालियाँ बकते रह जाओगे, वो अपने नोट बनाता रह जाएगा और 5 साल गुजर जाएंगे, फिर एक अगले चोर को फिर पकड़ लेंगे हम, तो इसलिए ध्यान रखिए वोट आपकी बहुत बड़ी चीज़ है, सोच समझ करते हैं। धन्यवाद, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।